नमस्कार। जहां टिकट को लेकर दिल्ली में सभी उम्मीदवार डेरा डाल चुके हैं, वहीं पर पहली लिस्ट कांग्रेस की फाइनल हो चुकी है। कुछ ही देर में कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट पर ट्विटर या फेसबुक पर भी जारी कर दी जाएगी जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। जी हां, कांग्रेस की पहली लिस्ट के अंदर 40 उम्मीदवारों के नाम लगभग शामिल किए गए हैं जो अभी अभी कुछ ही देर में लिस्ट जारी हो जाएगी। उनमें से जो उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए, जो सूचना मिली है पहली लिस्ट के अंदर जिन जिनके नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर टोटल विधानसभा 90 के 90 सीटें जहां पर जिनके नाम सिलेक्ट हुए, जी हम सर्वे में पहले भी बता चुके हैं कि वो नाम आगे चल रहे हैं, उन्हीं के नाम लगभग सर्वे के अंदर सिलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले आप उकलाना से नरेश सेलवाल, जी हां पूर्व विधायक है और हुड्डा की मेहरबानी इन पर चली और इनका नाम सिलेक्ट हुआ है, यानी इनकी टिकट मिल चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि यमुनानगर से अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। वहीं पर उचाना कला से जी हां वीरेंद्र सिंह एक्स एमपी, जी हां जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, इनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है टिकट के अंदर। कुछ ही देर में इनका फाइनल ही सूची है ये, वो जो नाम फाइनल हो चुका है। वहीं पर आपको बता दें कि तोसाम से अनुरोध चौधरी, नाम फाइनल हो चुका है और टिगाउन से ललित नागर, नाम फाइनल हो चुका है। ये इन उम्मीदवारों की सूची कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी जारी कर देगी। जी हां, लगभग कांग्रेस की 40 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जी हां, 40 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि किन उम्मीदवारों को टिकट दी जाए। वहीं पर 40 से 50 उम्मीदवारों की सूची आज फाइनल हो चुकी है, जिसमें से 40 उम्मीदवारों की सूची कुछ ही देर में जारी कर दी जाएगी। उनमें से सिलेक्टेड उम्मीदवार मैं आपको बता रहा हूं जिनकी सूचना हमें सूची जारी होने से पहले ही मिल चुकी है। जी हां, वहीं पर थानेसर से अशोक अरोड़ा पर भरोसा जताया जा रहा था थानेसर पर एक बार फिर से। वहीं पर आपको बता दें कि सोनीपत की जो है पेंडिंग में रखी गई है और सोना से डॉक्टर शमसुद्दीन पर जो है एक बार फिर से भरोसा जताया जा रहा है। वहीं पर सापरा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट फाइनल हो चुकी है। वहीं पर समलका से धर्म सिंह चोकर की टिकट फाइनल हो चुकी है। सपिदो से सुभाष गंगोलिया की टिकट अभी फाइनल नहीं हुई है, विचार विमर्श किया जा रहा है। जी हां, वहीं पर आपको बता दें कि साढ़ौरा से एक बार फिर से रेनु बाला पर भरोसा जताया जा रहा है। जी हां, रेनु बाला की टिकट फाइनल हो चुकी है। उम्मीद थी कि पिंकी छापर को टिकट मिले, लेकिन रेनु बाला यहां से टिकट फाइनल कर चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि रोहतक से बेबी बत्रा फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रोहतक से बीबी बत्रा की जो है टिकट फाइनल हो चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि रेवाड़ी से चिरंजीव राव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रेवाड़ी से चिरंजीव राव की टिकट फाइनल हो चुकी है। मैंने पहले भी ये उम्मीदवार आपको बताए थे, रतिया से जरनेल सिंह, जी हां रतिया से जरनेल सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि राय से बिजेंद्र अंटिल, जी हां बिजेंद्र अंटिल की टिकट फाइनल हुई है राय से। रादौर से बिशोप लाल सैनी की टिकट पर अभी संशय बना हुआ है, पार्टी विचार कर अगली लिस्ट में इनका नाम देगी। वहीं पर पुनहना से मोहम्मद इलियास एमएलए की जो टिकट है फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें कि पुंदरी से विचार विमर्श के द्वारा टिकट फाइनल नहीं हुई है। पुंदरी से पृथला से रघुवीर सिंह तेवतिया टिकट फाइनल हो चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि पटौदी पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पटौदी सुनीता ब्रह्म को टिकट दी जाए नहीं दी जाए, विचार विमर्श चल रहा है। पटौदी से पानीपत ग्रामीण पर विचार विमर्श चल रहा है। पानीपत ग्रामीण से जो विजेंद्र सिंह कादियन की टिकट पर विचार चल रहा है, इनके टिकट को लेकर जो विचार विमर्श किया जा रहा है। पानीपत ग्रामीण से विजेंद्र सिंह कादियन के नाम पर चर्चा चल रही है और इनका नाम भी पहले सूची में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी चर्चा चल रही, शायद दूसरी सूची में भी नाम शामिल कर दी जाए अगर विजेंद्र सिंह कादियन के नाम पर मोहर नहीं लगती है तो। मैं आगे आपको बताता हूँ, पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई, जी हाँ चंद्रमोहन बिश्नोई की टिकट पंचकुला से फाइनल है, पहली लिस्ट में इसका नाम शामिल किया गया। पलवल से कर्ण सिंह दलाल, नोए से अफ्ताब अहमद, टिकट पक्की है, टिकट फाइनल है, पहले लिस्ट में इनका नाम शामिल किया जाएगा। एनआईटी फरीदाबाद से नीरज शर्मा, जिनका नाम पहले लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। जी हां, नीलोखेड़ी से जसवीर सिंह वाल्मीकि, जिनका नाम पहले लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी, एक बार फिर से इनको टिकट मिल रही है, मौजूदा विधायक है। और नारनौल से कृष्ण राव के नाम पर विचार विमर्श किया जा रहा है, पार्टी इनकी टिकट काट सकती है। वहीं पर नांगल चौधरी से विनय सिंह यादव, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। वहीं पर नलवा से आपको बता दें कि नलवा से आईएएस चंद्र प्रकाश चुनाव लड़ेंगे, इनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। महम से डॉक्टर मनोज शिवाज, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह चुनाव लड़ेंगे, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। लोहारू से सोमवीर सोराण, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है, यही चुनाव लड़ेंगे। जी हां, लाडवा से मेवा सिंह को एक बार फिर से टिकट दी गई, लाडवा से जो बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी के सामने चुनाव लड़ेंगे। कोसरी से जगदीश यादव, जिनकी टिकट पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
की लिस्ट में इनका नाम शामिल किया जा सकता है। वहीं पर खरखोदा की सीट पर भी विचार किया जा रहा है, अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। कलायत से, जी हाँ कलायत से, आपको बता दें कि जयप्रकाश जी के लड़के विकास सहारण की टिकट कलायत से फाइनल हुई है। वहीं पर कालका से प्रदीप चौधरी की टिकट फाइनल हुई है और कलानौर से शकुंतला खटक की टिकट विवादों में है, अभी चर्चा की जा रही है, अगली लिस्ट में इनका नाम शामिल किया जाएगा। वहीं पर केथल से आपको बता दें कि केथल से भी टिकट फाइनल नहीं हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला या उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, अभी इसको पेंडिंग में रखा गया। हाईकमान तय करेगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वहीं पर जुलाना से रोहित दलाल, जिनकी जो है सेकंड लिस्ट में जिनका नाम शामिल किया जा सकता है। अभी इस टिकट को लेकर काफी उम्मीदवार लाइन में लगे पड़े हैं, फाइनल नहीं हुई जुलाना की टिकट। झज्जर से गीता भुक्कल, जी हां गीता भुक्कल टिकट फाइनल हो चुके हैं, झज्जर से गीता भुक्कल का नाम शामिल हो चुका है पहली सूची में। जगाधरी से आदर्श पाल की टिकट अभी फाइनल नहीं हुई है, सेकंड सूची में इनका नाम आ सकता है। वहीं पर इसराना से बलबीर सिंह वाल्मीकि, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। वहीं पर होटल से उदय भान जी, जियो कांग्रेस अध्यक्ष है उदय भान जी, टिकट फाइनल हो चुकी है। हिसार से आपको बता दें कि हिसार से टिकट फाइनल नहीं हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि हथीन से मोहम्मद इजराइल टिकट फाइनल हो चुकी है। हांसी से सुभाष चंद्र गोयल का नाम सामने चल रहा है, अभी हांसी की टिकट फाइनल नहीं हुई है। आपको बता दें गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर, जी हां गुरुग्राम से भी मोहित ग्रोवर का नाम आगे चल रहा है लेकिन टिकट फाइनल नहीं हुई है। वहीं पर गोहाना से जगबीर सिंह मिलक का नाम आगे चल रहा है लेकिन टिकट फाइनल नहीं हुई है। वहीं पर आपको कुछ टिकट और बताता हूं जिनकी फाइनल हो चुकी है। फिरोजपुर झरका से मामन खान टिकट फाइनल हो चुकी है। फरीदाबाद से लखन कुमार सिंगला, जी हाँ टिकट फाइनल नहीं हुई है, फरीदाबाद से विचार विमर्श चल रहा है। इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल की टिकट फाइनल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट में नाम शामिल हो चुका है। डब्बावाली से अमित सिहाग की टिकट फाइनल हो चुकी है। भिवानी से डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज की टिकट फाइनल हो चुकी है। बैरी से रघुवीर कादियान की टिकट फाइनल हो चुकी है। भवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी, जी हाँ रामकिशन फौजी और एक अन्य उम्मीदवार है, टिकट फाइनल नहीं हुआ है। भवानी खेड़ा का नाम दूसरी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बावल से जसवंत सिंह, जो एक्स एमएलए एक्स एमपी है, काफी अड़े हुए हैं इसलिए इनकी टिकट फाइनल नहीं हुई है, बावल से भी फाइनल नहीं है। बरवाला से रामनिवास गोड़ला को टिकट मिल चुकी है, टिकट फाइनल हो चुकी है, रामनिवास गोड़ला चुनाव लड़ेंगे बरवाला से। वहीं पर आपको बता दें कि कुछ सीटें और है जहां पर नाम सामने आया है, यहीं पर जो है भादुरगढ़ से बल्लभगढ़ से शारदा राठौर टिकट फाइनल हो चुकी है। भादुरगढ़ से बजेंद्र सिंह जून टिकट फाइनल हो चुकी है। बादशाहपुर से जो है वरदान यादव, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। बादली से कुलदीप वत्स, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। टेली से नीता यादव चुनाव लड़ेगी, टिकट फाइनल हो चुकी है। और बदली से आपको बता दें कि बाडला से मोहित, जिनकी टिकट को लेकर विचार किया जा रहा, फाइनल में नाम इनका नहीं आया है। और अंबाला से चित्रा की टिकट फाइनल हो चुकी है, अंबाला से चित्रा की टिकट फाइनल हो चुकी है। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है अंबाला सिटी से, आप देख सकते हैं। और जसवीर सिंह मलोर की टिकट मिलनी थी लेकिन नहीं मिली है अंबाला सिटी से जसवीर सिंह मलोर को टिकट। और सॉरी अंबाला सिटी की टिकट फाइनल नहीं हुई है भैया, अंबाला सिटी की टिकट फाइनल नहीं हुई है। और ये सेकंड लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा क्योंकि जसवीर सिंह मलोर और निर्मल सिंह के बीच अड़ी हुई है। और आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिल चुकी है, फाइनल हो चुकी है। और गोलाचिका से देवेंद्र हंस, जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से देवेंद्र हंस का नाम शामिल किया गया पहली लिस्ट में, इनकी सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं पर ये जो कुछ टिकट थी जिनकी फाइनल हो चुकी है, जिनका नाम बहुत ही जल्द कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर या अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी ऑफिशियल सूची जारी कर देगी। ये थी पहली सूची जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। जो बची हुई सीटें हैं उन सर बहुत ही जल्द जो उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएंगे, जैसे कि नारनौंद सीट है, नारनौंद सीट पर जो नाम आगे चल रहा है, काफी नाम आगे चल रहा है। वहीं पर शैलजा और हुड्डा समर्थकों के बीच अड़ी हुई है। वहीं पर जेसी पेटवाड़ और अजय चौधरी, जिनका नाम नारनौंद की सीट पर, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर अड़ी हुई है। ये 40 के से 50 के आसपास सीटें जो सेकंड सूची में कांग्रेस पार्टी जारी की जाएगी। ये थी फर्स्ट सूची, कैसे इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।